जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपने बयान में बड़ा खुलासा किया कि वो आतंकवादियों के निशाने पर हैं। रैना के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। बीजेपी नेता ने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस ने उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा है क्योंकि वे हिजबुल मुजाहिदीन हिटलिस्ट में है। रविंद्र रैना ने कहा आतंकवादी उन्हें इसलिए निशाना बनाना चाहते हैं क्योंकि वे उन्हें लगातार बेनकाब कर रहे हैं। फिदायीन हमला करने की फिराक में है ऐसा मेरे को सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी दी है। वरिष्ठ सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया है कि इन तीन आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी है और दो कश्मीर के हैं और उन्होंने हमारे घर की और मेरे पार्टी हेडक्वार्टर की रेकी भी की है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये कायर पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। हम एक फौजी की तरह काम करते हैं और फौजी की तरह काम करते रहेंगे।